नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि उनकी पार्टी कोरोना की स्थिति को लेकर चिंतित है, लेकिन ये पूरा ड्रामा भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए रचा गया है। वहीं चीन से उड़ाने आ रही लेकिन कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रोटोकॉल नहीं है, जो कि वही WHO द्वारा सुझाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं में भाग ले रहे हैं लेकिन उन्हें कोई पत्र नहीं जारी किया गया है। ये बात उन्होंने आज यात्रा के कश्मीर शेड्यूल पर मंथन के लिए श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सभी तरह के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। वही कांग्रेस लोगों की सेहत को लेकर पूरी तरह से संजीदा है, लेकिन इस रैली में बाधा डालने के लिए भाजपा ही तरह तरह के पैंतरे अपना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों पर विश्वास न करने वाले कई सियासी दल इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और इसे देश भर में भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। We are also very much concerned about the health of the people of this country and the COVID situation. Now, entire this drama is created to stop the yatra. Flights are coming from China. There is no problem. There is no national level protocol suggested by WHO. Usually COVID, there is a protocol by WHO. You people know that. Not from India only. All times. Nothing is there. Then why the health minister letter only to Rahul Gandhi and Bharat Jodo Yatra? All the government program was happening everywhere. Gujarat, big mela is happening. Participating lakhs of people. There is no letter. Prime Minister is going here and there and attending public meeting. There is no letter to the Prime Minister. You know, we are ready. Whenever the government is coming forward with a strong line, strong guideline, supported by the expert people and WHO, we are ready to accept it. Ready to join this yatra. That is one of the happiest moment for all of us. All the leaders of Jammu Kashmir will be joining in this yatra. Not only here, everywhere, all the like-minded people, those who are not believing this divisive politics of BJP and national government, is joining in this yatra. You know that the success of this yatra, you know that thousands and tens of thousands, lakhs of people are joining day by day in this yatra. Every day the impact of yatra is increasing. In other words, people of India is already taken this yatra in their herds, that we can witness everywhere. Wherever we are going, they are now realizing the real face of Rahul Gandhi. You people know that how much damage this BJP and Sangh Parivar social media are doing against his image. That entire attempt has been demolished by the people of the country through this Bharat Jodo Yatra. This is what my... कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर तैयारियों को जांचने के लिए आज जम्मू और कश्मीर संभाग के प्रमुख अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजन की गई। वहीं जम्मू शहर के गांधीनगर स्थित MCH अस्पताल और वहीं GMC अस्पताल में मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें कि विशेष तौर पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जाँच की गई। साथ ही ये भी जांच किया गया कि बिना किसी तकनीकी खामी के ऑक्सीजन की सप्लाई वार्डों में पहुंच रही है या नहीं। इसके अलावा GMC हीरानगर और उधमपुर के जिला अस्पताल में भी ऐसे ही मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आपको बता दें कि विश्व के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और वहीं अगर बात करें, पड़ोसी देश चीन सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं खबरों की माने तो जहां रोजाना लाखों कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, अभी तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इससे अब अन्य देशों में भी संक्रमण फैलने की संभावना है, जिसके चलते केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट पर रहने को कहा है।
हमने मेनली हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट है गांधीनगर में 3 ऑक्सीजन प्लांट है, 1200 LPM का एक है और 2000 LPM के, जो कि हमारी सेंट्रल सप्लाई हाई फ्लो ऑक्सीजन 200 बेड पे सब पे जाती है, उनको हमने फंक्शनल करना है सुबह से लेकर शाम तक और हर एक घंटे बाद उसकी प्योरिटी चेक करनी है ऑक्सीजन की कितनी है और वो हमने वेबसाइट पे अपलोड करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसके अलावा जितनी भी मशीनरी इक्विपमेंट हॉस्पिटल के अंदर है, जितनी भी मैन पावर है, उनका सारा डिटेल्ड वेबसाइट पर हमें अपलोड करना है। इसका ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JNK देखेंगे कि कितने गैप्स हैं इंस्टीट्यूशंस में और कौन कौन से गैप्स को फिल कर सकते हैं और कैसे हम कोविड को पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो किस तरह बेड वगैरह कितने और स्टाफ कितने? हमारे पास 200 बेड है पूरे इस समय, पर यह है कि इस समय हमने 70-30 में डिवाइड किया। 70% हमारे नॉन कोविड बेड है और बाकी हमने थर्ड फ्लोर जो रखा है हमने कोविड का रखा है, जिसमें 64 बेड है जिसको कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं 80 बेड्स पे। और हमारे जो नॉन कोविड बेड्स हैं आज की डेट में 90 के करीब एडमिशन वहाँ पे है। हमारे सीजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरीज मदर्स की हो रही हैं, थिएटर्स वहाँ पर 4 थिएटर्स अवेलेबल है। ये तैयारियाँ सिर्फ हमारे CAC में नहीं हैं, ये पूरे हमारे PSC लेवल पे और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेवल पे चल रही हैं। और ऑलरेडी हम जो कोविड के लिए रेड सैम्पलिंग कर रहे हैं, बट ये अभी ये जो हमारे RTI ILI के केसेस हैं या हमारे TB के केसेस हैं, उनको भी हम इनमें ला रहे हैं। तो जितने भी इस वक्त जो ILI के केसेस हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस हैं, उन सब का हम PSC लेवल पे, सब सेंट्रल लेवल पे और SDS लेवल पे हर जगह हम इनकी जो टेस्टिंग कर रहे हैं। में ऐसा है कि हमारे पास 15 बेड्स हैं जो इसके लिए हमने होली सोली इसके लिए रखे हैं, तो वो हमने पूरी वार्ड बना दी है, सैनिटाइज कर दी है, पूरी प्रिपेयरनेस है, वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए हैं और एक साइड हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगा है वहाँ एक साइड मल्टीफोल्ड जो गैस पाइपलाइन है उसका हमने पूरा चेकिंग कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। हमारा OGP प्लांट 3000 LPM का है और साथ ही में एक PM केयर का भी प्लांट है जो 1000 LPM का है। ये प्लांट्स हम ऑन रेगुलर बेसिस चलाते रहते हैं ताकि इनकी क्षमता जो है वो बनी रहे और ये एक फुली फंक्शनल कंडीशन में रहे। लेकिन आज इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 9 बजे स्टार्ट किया है इसकी मॉकड्रिल और जो कि 3 बजे दोपहर तक चलेगी, तो इसमें हम इसकी मॉनिटर करेंगे प्रेशर, प्योरिटी और लीकेजेस वगैरह वहीं पे नहीं बल्कि जो एंड यूजर्स हैं, एंड बेड साइड पे है, वो भी देखेंगे कि वहाँ पे प्रेशर क्या आता है, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, ताकि हम कोविड की अगर आने वाली वेव है, अगर कोविड का संक्रमण और फैल गया यहाँ पे इंडिया में, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें। जैसे आपको पता ही है कि कोविड में ऑक्सीजन का रोल कितना ज़बरदस्त है, कितना ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की कमी किसी तरह से नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ मैकेनिकल डिवीजन है इंजीनियरिंग का जो कि इस प्लांट का देख रेख करते हैं, इसकी मेंटेनेंस करते हैं। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सोमवार को बरामद की गई करीब 15 किलो वजनी IED को आज डिफ्यूज कर दिया गया। वहीं बम निरोधक दस्ते ने आज मौके पर पहुंचकर बड़ी एहतियात के साथ इस IED में धमाका कर इसे नष्ट कर दिया है। पुलिस ने सोमवार को इस मामले में एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया था, जिससे कि पूछताछ की जा रही है और इस IED के साथ करीब 400 किलो RDX व अन्य हथियारों सहित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक लेटर पैड भी बरामद किया गया था। जम्मू कश्मीर के SC ST और वहीं OBC संगठनों ने 16 दिसंबर को रजौरी में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से 2 युवकों की मौत की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ करने को बल दिया था। वहीं इस गोलीकांड की जांच के लिए सिट का गठन किया गया है और इस संगठनों को उम्मीद जताई जा रही है कि सिट अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगी ताकि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल सके। इन संगठनों की ओर से जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्यामलाल वसन ने ये उम्मीद जताई और पीड़ित परिवारों के लिए उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा घोषित की गई मुआवजे की राशि को भी बढ़ाने पर बल दिया है। हम चाहेंगे
हम चाहेंगे ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है ये लैट एंड स्पिरिट सही मायने में जो लागू होना चाहिए और जल्द लागू होना चाहिए। हालांकि सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद असलम जी, उन्होंने सिट कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर द डायरेक्शन ऑफ DGP JK ड्यूटी। हम पूरा भरोसा करते हैं कि सच्चाई सामने आएगी। मैं एक बात यहाँ और भी कहना चाहूँगा, वो बात ये है कि किसी भी कीमत पर सच्चाई को अगर छुपाया जाएगा तो पूरा समाज पूरा देश उन परिवारों के साथ है। हम चाहेंगे सच्चाई बाहर आनी चाहिए और उन लोगों को कंपेंसेशन मिले एक्स ग्रेशिया। जो ऑनरेबल LG लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जो 5 लाख, ये बहुत कम अमाउंट है। हम चाहेंगे कि ऑनरेबल LG साहब खुद बजाते खुद वहां पर विजिट करें ताकि उन लोगों की भी थोड़ी हौसला अफजाई हो। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी हमारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे रहबर खेल टीचरों ने आज अपने बच्चों को साथ लेकर जम्मू स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन टीचरों के मुताबिक उन्हें मात्र आश्वासनों पर ही आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि असलियत में कोई भी लिखित आदेश जारी नहीं हो पाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक भाजपा मुख्यालय के बाहर उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। राणा जी को मैंने बोला था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जैसे आज साहब ने बोला 7 दिन के अंदर आ रहा है, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो हम दोबारा आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आपने हमारे बीच में बैठ के प्रोटेस्ट का आलाप करवाया था, इसीलिए दोबारा यहाँ पे आए हैं। अब वो जब उनको दोबारा पता चला है कि वो ऑर्डर अभी तक इन पर दोबारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो राणा साहब इनिशिएटिव ले रहे हैं। हम देख रहे हैं उनके इनिशिएटिव को, उन्होंने कमेटी भी बनाई है, उस पर भी वो बातचीत चल रही है, उसकी रिपोर्ट की भी बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन जब तक रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि पहले हम आश्वासन बातों से उसके चले गए थे, लेकिन जब तक रिटर्न नहीं आएगा हम लोग यहाँ से उसके वाले नहीं हैं और ये प्रोटेस्ट हमारा इस तरह से पीसफुली चलता जाएगा। कोविड को लेकर जारी किए गए अलर्ट के बावजूद जम्मू स्थित आदर्श कॉलोनी में एक मेला लगाने की अनुमति के विरोध में शिवसेना ठाकरे गुट की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज प्रदर्शन किया। इकाई के राज्य प्रधान मनीष साहनी के मुताबिक एक तरफ कोविड की नई लहर से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और दूसरी तरफ प्रशासन ने इस मेले की अनुमति दे दी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल प्रशासन के इस फैसले पर काफी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर रहा है, माता वैष्णो देवी जाने के लिए मास्क का जो है अनिवार्य कर दिया गया है, जम्मू के अंदर बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की भीड़ इकट्ठी कर मेला लगाने की अनुमति देकर वो भी रिहायशी इलाके में, तो सरकार कहीं ना कहीं वो बेड भरने की कवायद जो है वो भी खुद ही कर रही है बेड रिजर्व करने के बाद। आज हम बहुत मोहल्ले निवासियों के साथ शिवसेना ने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। आपके माध्यम से DC जम्मू, पुलिस प्रशासन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस अनुमति को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। अगर नहीं रद्द किया गया तो हमें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उस दौरान अगर किसी तरह की कानून व्यवस्था की अगर कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। जम्मू कश्मीर में सर्दी का प्रकोप बढ़ने से लोग ठिठुरने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है और ठंड से बचाव के लिए हर तरह के उपाय अपनाते नजर आ रहे हैं। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों की बिक्री ने भी जोर पकड़ लिया है। वहीं शोरूमों में तो भीड़ नजर आ रही है और साथ ही साथ सड़कों के किनारों पर रेड़ी फड़ियों पर बिकने वाले गर्म कपड़ों के प्रति भी लोगों का बेहद ही रुझान देखा जा रहा है। इन कपड़ों की क्वालिटी तो उम्दा होती ही है और साथ ही उनकी कीमत भी बेहद कम होती है, जिसके चलते ये लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। जी सर, सर्दी तो थोड़ा बढ़ती जाती है सर, मगर लोगों में एक ही रिक्वेस्ट है, लोगों को इधर आना चाहिए। रेडी बिल्कुल कम है इधर, तो सब लोग आते हैं आजकल, सब लोग आते हैं मगर कोई लेता है कोई नहीं लेता है। हमें लोगों का यही गुजारिश करना है, इधर हर कोई रेट का अवेलेबल है सर,
100 रुपए से कम 5 रुपए 500 तक रेट है इधर सर। बिल्कुल ठंड है सर, कोहरा तो सही। अगर सुबह 4 बजे की बात करें तो पूरा जम्मू में इतना ठंड पड़ता है सर, इतना धंध पड़ता है इधर, कहने की बात नहीं है सर। जब हम कहाँ पे निकला 10 बजे से, आपका मौसम बिल्कुल साफ हो रहा है सर दिन को। अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया जी, जैकेट्स वगैरह काफी यहाँ बिक रही है लोगों की, तो वही हम देखने आए हैं। आज 2-3 दिन में काफी सर्दी बढ़ गई है, आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी। देखो सर्दी बहुत बढ़ रही है, ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, लोगों को गर्म कपड़े चाहिए डालने के लिए, जहाँ बिकते हैं नामा चौक में तो लेने चाहिए, खरीदने चाहिए, डालने चाहिए। गर्म कपड़े से भी होता है ज्यादा बचाव, गर्म कपड़े डालने से ही सर्दी को ज्यादा आता है। जम्मू पठानकोट हाईवे को भी आज धुंध ने अपने आगोश में ले लिया है, वहां भी कड़ाके की ठंड का असर देखा गया। वहीं हाईवे पर सभी वाहन दिन के समय भी लाइटें जलाकर रेंगते हुए नजर आए, और वहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण चालकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाईवे के साथ सटे कठुआ जिले की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह के ही हालात नजर आए, और अधिन आने वाले इलाकों में ठंड के कारण लोगों का आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त रहा। हर कोई सर्दी से बचाव के लिए अपने अपने हिसाब से तौर तरीके अपनाता नजर आया। सर्दी तो है जी, बहुत है, खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए जो 60+ हैं, जो 50+ हैं, बहुत सर्दी है। 3 दिन तो मैं घर से नहीं निकला, आज निकला हूँ सुबह। धुंध तो बहुत है, टेम्परेचर 7 डिग्री है जी, तो इसमें क्या कह सकते। बड़ी ब्रह्मणा के किकरी मोड़ इलाके में आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिलने से वहां सनसनी फैल गई। ये शव सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ देखा गया। वहीं लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसने मौके पर पहुंचकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और इस संबंध में मामला दर्ज कर अपनी जाँच शुरू कर दी। पूरा केमिया कोटली फतेह के वार्ड नंबर 3 में जेके और गुलिस्तान न्यूज चैनल की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल यहां पर बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हुए करीब 3 महीने बीत गए थे और स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही थी। जब जेके और गुलिस्तान न्यूज चैनल ने इस खबर को प्रसारित किया तो उसके बाद संबंधित विभाग ने हरकत में आते हुए फौरन वहां पर नया बिजली ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसके लिए न्यूज चैनल का आभार जताया है। जेके गुलिस्तान वाले बहुत शुक्रिया, जेड़ा कोटली मियां फतेह अपने 3 नंबर वार्ड विच ट्रांसफर साढ़े 3 महीने हुई है, इन्नी बत्ती दी इन्नी परेशानी ही, अज वह ट्रांसफर लग्या। सानू इन्नी तंग होते हैं, बच्चे भी पढ़ना होता, नेरा होई जांदा बोझ इन्ना ज़्यादा, तो बच्चे तंग होई गए, सानू डेली तंग, हर तंग जिन्ना भी ग्रां दा जिन्ने 3 नंबर वार्ड वाले जिन्ने भी सारे तंग होई गए। अज असें इ जेके जाना है, गुलिस्तान ने बड़ा शुक्रिया किया जाए, अहे जाना अज साड़ी उन्हें बात सुनी तो साढ़ा कोटली मियां फतेह वाला 3 नंबर वार्ड वाला ट्रांसफर लगा। डिपार्टमेंट ने महाराज भी कन्ना लीटा ना जड़ियाँ लीटा कन्ना और कारण जोड़ा सड़ता ना ट्रांसफर, उसी लीटा भी नवी पाए जाए तारा जड़िया और कारण जो ट्रांसफर सड़ता है। 3 महीने तारा थला पे दिया, बच्चे नंगा कुछ नंगा कुछ मरी जाता, कोई जुम्मा कौन होना। अज इ गौरमेंट अस इ करने बिजली डिपार्टमेंट बोलना इंटर जी लीटा भी चेंज की जाए जल्दी को जल्दी, ये शुक्रिया जरा ट्रांसफार्मर लगी अज। ये ट्रांसफार्मर बड़ा ओवरलोड चला दा हा, ते असें डिपार्टमेंट अगर बड़ी अपील की एह्दे बारे च, ते ये साढ़े प्रयासें कन्नै लोगों ने सारे प्रयासें कन्नै अज चेंज होया है, ते मैं महकमे का और एक्सीएम साहब का खास करिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना, चुने सामने टाइमे सिर ये ट्रांसफार्मर ला दिता गया है। बाकी थोड़ी जी तारें लीटे की प्रॉब्लम जिदे कन्नै ओवरलोड चलता है, तो लोग भी पूरे डिपार्टमेंट कन्नै तालमेल रखते हैं, किराया भी टाइम से टाइम जा रहा है। तो मैं परतियै एक्सीएम साहब भी ये अपील करना चाहना है कि जिहड़ियां साढ़ियां लीटां ने जां तारां साढ़ियां खराब ने, उहदे वजह कन्नै इह सरकार दा जां लोकें दी इह प्रॉपर्टी दा नुकसान हुंदा है, ते खास कोई लोकें दा लोड नहीं है, लोग अंडर लोड चलदे ने इहदे उप्पर। ट्रांसफार्मर सड़न दा मेन कारण यह है कि तारां बड़ियां ढिल्लियां ने, तारां पुरानियां ने, जिहदे कन्नै फॉल्ट हुंदा, जिहदे नाल ट्रांसफार्मर सड़ी जांदा है। तो मैं फिर पुरजोर अपील करना एक्सीएम साहब भी कि इसी तारें चेंज कीता कराई दे जा, ते बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर सुदेश्वर ने सुरनकोट में बतौर इंचार्ज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अपना पदभार संभाल लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में हुए फेरबदल में डॉक्टर सुदेश्वर को ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके पदभार संभालने के मौके पर सुरनकोट में तैनात स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ के सदस्यों के अलावा आम लोगों ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि वे अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाएंगे। वहीं डॉक्टर सुदेश्वर ने भी भरोसा दिलाया है कि वे स्वास्थ्य विभाग व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैंने एज ए इंचार्ज बीएमओ ब्लॉक सुरनकोट में ज्वाइन किया और बाकी मैं चाहता हूं कि इस ब्लॉक को नंबर वन पे लाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, जहां पे कमी पेशी हैं उनको मैं राउंड मार के चेक करूंगा और उनको को सब पीएससी में मैं टर्न बाय टर्न उस पर दौरा करूंगा। सब सेंटर में भी जाऊंगा, जहां पे हमारे एनटीसीपी हैं वहां पे जाऊंगा। तो मैं पूरा दौरा करके मायना करके मैं देखूंगा कि वहां वहां पे क्या क्या कमी पेशी हैं, तो उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। डिपार्टमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज, और पहले से वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको मैं चाहता हूँ कि मैं आगे से भी और अच्छा काम करें ताकि पूरे आवाम को किसी प्रॉब्लम में ना ज़्यादा आए, उनको दिक्कत ना हो। चाहे हॉस्पिटल में आए हमारे पास, उनका मोस्ट वेलकम किया जाएगा पेशेंट का अच्छे तरीके से। पुंछ जिले के स्टार होटल मार्केट में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है। दो दिन पहले ही दो दुकानों पर चोरों ने हाथ साफ किया है और अब एक किराना शॉप और एक स्वीट शॉप में चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां पर चोर हजारों की नकदी और कुछ जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए। वहीं लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। लोगों ने प्रशासन से इस तरह ध्यान देने की अपील की है। लोगों का कहना है कि पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास इस तरह की वारदात हो रही है तो वहीं दूर दराज के इलाकों में क्या होगा। सुबह यहाँ वॉक करने जाता हूँ तो अभी मैं वही जा रहा था, देखा यहाँ पर बड़ी भीड़ थी तो दो दुकानों का शटर टूटा हुआ है। यहाँ सुनने में ये आया कि दो दिन पहले भी यहाँ दुकानें टूटी हैं और देखा जाए तो कुल मिला के पीछे 6-7 महीने से चोरियां बड़ी हो रही है पुलिस के अंदर। मैं आपके माध्यम से जितनी बात एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को, ये नाके पे जितनी पुलिस होती है रात को अब जो ड्यूटी में होती है कम्बल लेके इनके हाथ में होता है तो ये कोना देख के सो जाते हैं। इनका फर्ज क्या है, रात को अगर हम सोए रात को इमरजेंसी का दौर है, कोई इमरजेंटली आ जाए, कहीं अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सचो साहब को चाहिए कि नाके पे जाए, रात को गश्त होना चाहिए जो उनका अफसर देखे कि कोई पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारी सुरक्षा के लिए अगर पुलिस बैठी है तो पुलिस का अगर बिहेवियर यही रहेगा तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि एक फैमिली मेंबर जो है दुकान में लेटेगा रात को, घरों में जाके रहेगा। ये चोर जो है ये इनका दिल खुल चुका है, ये बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे आप लोगों की दुकानों के अंदर और मकानों के अंदर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। ये चोरी जो है स्टार होटल के बिल्कुल सामने, ये दोनों दुकानें एक साथ है और उसने इतनी बुरी तरह से ये चोरी की है, पता नहीं उसके पास कौन सा ये सामान है कि दोनों ताले अपनी अपनी जगह लगे हुए, उसने बड़ी कोशिश की नहीं टूटे और उसके बाद उसने चप्पल लगा के तो दोनों दुकानों को तोड़ा। जो एक करने की दुकान है और एक स्वीट शॉप है। हाँ, हम गए अपनी अपनी दुकान के अंदर, मैं भी गया, ये अंकल जी भी गया जिनकी ये दूसरी दुकान है। तो अंदर से भी कुछ सर गया कि? देखो जी, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट, मेरी गाड़ी की 2 RC हैं और कुछ आधार कार्ड थे दुकान के, खाते छाते थे, एक वो तो पूरा गला ही ले गया मेरी दुकान से, और कुछ चेंज पड़ी थी, पैसे कुछ मंदिर में पैसे रखे थे वो सारे ले गए। पुंछ जिले के मंडी में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर जनता में भारी रोष है। मंडी के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ तो विभाग बिजली बिल में वृद्धि कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ बिल देने के बाद भी उन्हें बिजली की अघोषित कटौती का सामना करना पड़ रहा है और वे लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पहले 110 या फिर 200 रुपए बिजली का बिल आया करता था और अब बिजली की सुचारू रूप से आ रही थी, लेकिन अब बिजली का बिल भी 400 से ज्यादा आ रहा है और बिजली की व्यवस्था भी चरमरा गई है। वहीं सर्दी के मौसम में बिजली कटौती से उन्हें और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लग रहा है जैसे कश्मीर में लोग सड़कों पे उतर आए हैं, इसी तरह शायद यहाँ भी लोग सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि अनशेड्यूल कट जो है बिजली का वो बिल्कुल बार बार जो है
दो दो दिन जो है बिजली गायब रहती है यहाँ। जब पहले 100-150 रुपया किराया होता था, आज 300-400-500-600 रुपया जो है बिल अदा कर रहे हैं लोग। कोई भी बिल बकाया नहीं रखता। यहाँ गरीब आवाम है और यहाँ बिल्कुल मतलब हम ये मुतालबा होगा डिपार्टमेंट से और इंतजामिया से कि इस अनशेड्यूल कट को कम किया जाए और बिजली जो है मुकम्मल दी जाए। और सर्दी का मौसम है और इस चीज पे जो है आवाम जो है ऐसा ना हो कि आवाम कल सड़कों पे उतर आए फिर महकमे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाए। यहाँ इस वक्त पढ़ाई जो है बच्चों की मुतासर हो रही है, छुट्टियों का सीजन है, इस वक्त बच्चे जो है घरों में पढ़ाई करते हैं। यहाँ कौन से कारखाने चल रहे हैं, यहाँ कौन सी इंडस्ट्रियां यहाँ पे चल रही है? सिर्फ एक या दो बल्ब हर घर में होते हैं, उसके लिए भी वो 4-4, 5-5 सौ रुपए किराया भरते हैं और जो है किराया देने के बावजूद भी जो है लोग परेशान है बिजली से। बिल जो है बिल बारिश की तरह चलता है और बिजली का नामो निशान नहीं है सर। एक महीने पहले बिजली ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक महीने के बाद जनाब आज इतना लोड बिजली का पड़ रहा है आवाम पे जिसकी कोई हद नहीं है। किराया बराबर 460 रुपया लेते हैं पर मंथ और बिल बारिश की तरह आता है, लेकिन बिजली आती ही नहीं है सर। और मेरा कार्ड जो है सर ये अंतोतिया में है सर, तो मुझे पहले मतलब 110 रुपये आता था और आज फिर शुरू किया हुआ 460 रुपये मुझे आ रहा है। अभी के जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।